हाथरस में हुआ बड़ा हादसा जी, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं यूपी से। यूपी के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़, 122 की मौत और 150 व्यक्ति हुए घायल। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं शामिल। जी हाथरस में बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 122 की मौत और 150 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड शो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 200-150 चले गए, कितने लोगों की मौत हुई, 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लंबाई चले गए और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, डिमांड नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए, हमने कैच कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं है, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तभी बचाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे, सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है, 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है, सब क्या कर रहा है? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। 27 जी यहां पे जो अभी सीएचसी से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50-60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन एसडीएम साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा, एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और वो और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी, देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार बताइए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच